माय फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ डुप्लीकेशन जी हाँ माय फ्रेंड किस तरीके से आप एक से दो साल काम करने के बाद फ्री हो सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ माय फ्रेंड सो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मैं मैू दोस्त आपका नाम है ध्रुव और पिछले एक साल से हरिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ और पैंसठ हज़ार लोगों का टीम है मेरे पास इंडिया की हर कोने में मैं टीम बना रहा हूँ और बना चुका हूँ सो माई फ्रेंड अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है डुप्लीकेशन जब तक आप अपने लोगों को डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक आप जीवन भर उसको रगड़ते रहेंगे इसको हो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय या सेल्समैन के रूप में तो किस तरीके से आप डुप्लीकेशन कर सकते हैं अपने टीम को जिससे कि हम जानते हैं जितने घंटे समय आपके नीचे काम होगा उतने ही घंटा आपके नीचे काम होने से आपका इनकम भी बढ़ेगा तो इस घंटे को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं आप अकेले आदमी 24 घंटे में कितना प्लान दे सकते हैं चार या पाँच चार या पाँच प्लान में कितना दस या पंद्रह लोगों को आप प्लान दे पाएंगे लेकिन कब तक दे पाएंगे नहीं ना तो आपको सबसे क्या करना है अपने टीम को भले ही आप दो लोगों को एक महीने में लाते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से आपको बिजनेस के बारे में सिखाना ज़रूरी है आप जिसको भी अपने सिस्टम में लाते हैं उसको सबसे विजन क्लियर करना है उसका ड्रीम बिल्ड करना है उसके बाद उसको डुप्लीकेशन करना है डुप्लीकेशन किस तरीके से करना है उससे कहना है सर ये बिजनेस आपका है और मेरा है आप अपने बिजनेस का खुद मालिक हैं और मैं आपको सिखाऊंगा इस बिज़नेस को किस तरीके से आप आगे ले जा सकते हो तो सबसे पहले क्या करना आई डू यू सी यानी कि आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो बताइए मैं आपको दस पाँच पंद्रह बीस कितना प्लान आपको साथ में बैठ के मैं दूंगा जिसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा वो कहेगा सर मुझे पाँच या दस जैसे उसके पास कैपेसिटी होता है वो उतने प्लान के बारे में आपको बात करता है तो जब भी आप उसको उसके टीम को उसके लोगों को उसके कॉन्टेक्ट के लोगों को प्लान देने के लिए जाए तो उसको साथ में लेके जाए साथ ही रास्ते में बोलते हुए जब भी मैं प्लान दूंगा, आप गौर से सुनेंगे देखेंगे किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को शुरुआत करता हूँ और किस तरीके से एंड करता हूँ किस तरीके से फॉलोअप करता हूँ ये सारे चीज़ आपको सीखना है दो से पांच प्लान देने के बाद फिर उसको कहना है सर सबसे पहले आप प्लान शुरुआत करो उसके बाद उसको आधा आधा प्लान दिलवाना है यानी कि आपने आधा उसको दिलवाया अगर वो कोई मिस्टेक करता है उसको टोकना नहीं उसको शाबाशी देना सर आपने ज़बरदस्त प्लान दिए हैं इसमें थोड़ा सा अगर आपने और ये मिक्स किए होते तो और ज़्यादा बेहतर होता यानी कि उसको हरासमेंट नहीं करना अरे सर आपने किस तरीके से प्लान दिया इस तरीके से क्या कोई प्लान देता है ये नहीं कहना है बल्कि आपको उसको मोटिवेट करना है सर आपने वंडरफुल प्लान दिया आपने ज़बरदस्त प्लान दिया इस तरीके से आप अगर लगातार चार पाँच प्लान दोगे ना सर आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर प्लान दे सकते हो आपके अंदर मोटिवेशन प्लान बहुत बढ़िया है तो आप अगर उसको उत्साह बढ़ाएंगे तो अगले बार और जोश के साथ देखिए सामने वाला व्यक्ति ना तो कंपनी देखता है ना तो सिस्टम को देखता है वो सिर्फ आपको देखता है ठीक है ना साथ ही वो अपना फायदा देखता है वो आपको देखता है और अपना फायदा देखता है तो आपको ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, यानी कि आपके अंदर जोश और साथ में उसका नीड्स क्रिएट करना ये दो चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बाद जब वो जब वो आपका डुप्लिकेट हो जाता है उसके बाद उसको कहना सर यही प्रोसीजर आपको डाउनलाइन पे भी करना है यानी कि आपने देखा होगा शेर जब जंगल में शिकार करता है तो अपने बच्चों के भी साथ लेके जाता है जो किस तरीके से आपको शिकार करना है और किस तरीके से मैं शिकार करता हूँ अगर आपको अगर आपको ज़िंदा रहना तो आपको भी शिकार करना सीखना पड़ेगा मैं कहाँ तक आपके साथ रहूँगा अगर आपको राजा बनना है जंगल का राजा तो आपको शिकार करने का तरीका एवं शिकार करने के पद्धति आना चाहिए तो यही नियम है ज़िंदगी का अगर आप अपने बिजनेस में डेवलप चाहते हैं अगर आप अपना इनकम में डेवलप चाहते हैं तो डुप्लीकेशन यानी कि एक टाइम में आप फ्री हो सकता है तभी जब आपके नीचे दस बीस पचास लीडर तरी हो और वो डेली प्लान दिखाता हूँ तो ज़िंदगी में अगर आपको बहुत बड़ा इनकम करना है अपने टीम को ग्रो करना है तो डुप्लीकेशन बहुत ही जरूरी है ये चीज़ हमेशा याद रखें और हाई रिच हमारा एक ऐसा प्लान है जिसमें एक दस साल बारह साल पंद्रह साल के व्यक्ति भी एक बार अगर प्लान सुन लेता है अगले बार वो बता सकता है लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को प्लान देने से पहले उसका नीड्स क्रिएट करें उसके कमजोरी को जाने उसके जो नीड्स है उसकी जो ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस करें साथ ही वो ज़िंदगी में चाहता क्या है वो साथ ही उसका जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक ड्रेपो बिल्डिंग करना उसके बाद उसको प्लान देना उसके बाद उसको डुप्लीकेशन करना ये कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में इसको अगर आपने सही तरीके से सीख लिया और सीखा पाया तो आप अपना बिजनेस का मास्टर माइंड बन सकते हो अपने बिजनेस में आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हो और एक साल के अंदर बड़ा टीम बना करके आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो और लोगों को करवा भी सकते हो तो आइए हम सभी मिल कर के इस पद्धति को अपनाएं और लोगों को इस बिज़नेस को प्रमोट करने का तरीका बताएं थैंक यू जय हरिच घर घर